यस थ्री, बस इसके आगे वाला। देखो भाई कितना ज्यादा लिफ्ट में, यहाँ पे सिर्फ लिफ्ट है और जाने का नहीं है, लोग कितना परेशान हो रहे हैं। देखो ओवरलोड ओवरलोड हो जा रहा है बार बार, इधर सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, जाने वाले यहाँ पे सब। मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और आज हम कहीं जाने वाले हैं, मुंबई से हम कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। फिलहाल तो हमारी सारी पैकिंग हो चुकी है, एक बैग ये इधर, ये तैयार हो गए, बस हम ही बाकी है और हमारा तैयार होना बाकी है। तो फटाफट हम भी तैयार हो जाते हैं। हमने अपना मेकअप वेकअप का जो भी है थोड़ा बहुत इसमें रख लिया है। हमारा ट्रेन है बोरीवली से और हमारे पास केवल बचे हैं 20 मिनट। 20 मिनट के अंदर हमको पहुँचना है रेलवे स्टेशन। रेना यार तुम तो ट्रेन छोड़वा दोगे, जल्दी करो। देखो सारे प्लांट्स वगैरह जितने सारे थे हम लोग सब अंदर कर दिए, क्योंकि पानी इसके अंदर डाल दिया हूँ, नमी रहेगा क्योंकि 2-3 दिन के लिए जा। हाँ टाइम हो जाएगा, 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन कुछ भी लग सकता है। बस एक नमक रख लें बस। देखो 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 खुल जा सिम सिम। हाँ हम कहाँ जा रहे हैं, हमने बताया कि नहीं बताया? हम जा रहे हैं सूरत। कितना टाइम है अभी? 15 मिनट। तो भाई हम बोरीवली पहुंच चुके हैं और हमारे पतिदेव इतना अपना दिमाग लगाते हैं, इनको डेली ऑफिस जाना रहता है। 25 मिनट अपनी गाड़ी फास्ट की है हम, सोचो 25 मिनट पहले पहुंचा है। हमको बोले जल्दी चलो तुम लेट कर रही हो। इतनी जल्दी गाड़ी फास्ट करने का क्या वो है? आपकी ट्रेन आने वाली है, क्यों बताइए? इतनी जल्दी घड़ी फास्ट करने का बताइए, इतना घड़ी फास्ट करने का क्या मतलब है? देखा इनका ट्रेन छूट रहा है ना, ये टाइम से आए एकदम। देखिए यहाँ पे लिफ्ट में हमारा ट्रेन चला ही नहीं है, बताइए। अभी इसमें हम नहीं जा पाएंगे, दोबारा में जाएंगे। देख रहे हो यहाँ पे 6 नंबर पे जाने के लिए यही है, जब तक ये नहीं आ जाती लिफ्ट तब तक आप यहीं खड़े रहेंगे। कहाँ जा रहे हैं? इधर आइए, उधर आने का इधर जाने का है। वो भैया की ट्रेन छूट रही है। अरे बाप रे, हम तो दोबारा में भी नहीं जा पाएंगे। देखो भाई कितना ज्यादा लिफ्ट में, यहाँ पे सिर्फ लिफ्ट है और जाने का नहीं है, लोग कितना परेशान हो रहे हैं। देखो ओवरलोड ओवरलोड हो जा रहा है बार बार। अरे नाना ओवरलोड यहाँ बताता है, ओवरलोड होगा ना तो यहाँ बताएगा, वो बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। अंदर आ जाइए बस, बैग 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 सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, जाने वाले यहाँ पे सब। इसके लिए भीड़ है। बोरीवली के प्लेटफॉर्म 6 पे 1 सीढ़ी बनवाए जाए, है ना? पहुँच गए, चलो वो तिरी की आ गए। अरे यार ये इधर से तो है, 6 वो 7 है। हाँ अरे यार हम लोग इधर से आते तो आ जाते, बताओ सामने है, सभी लोग इधर से आ रहे इसीलिए इतना प्रॉब्लम हो रहा है। चल गई ट्रेन, हम लोग चल गई। तो भाई इसीलिए आप ही अपनी घड़ी को 30 मिनट फास्ट कर लो इनकी तरह। ये देखिए लोकल ट्रेन आ गई है, इसी पे आने वाली है हमारी ट्रेन जिससे हम सूरत जाने वाले हैं। लोकल ट्रेन की भीड़ देखो, अभी देखना कैसे लोग चढ़ते हैं, कितने लोग कैसे चढ़ते हैं। इनका लेडीज का दिखाओ, लेडीज तो भाई हम कहाँ बताएं। हम जब जाते हैं ना, कई लोग तो धक्का मुक्की दे के इधर, जब मोटे मोटे लोग हमको धक्का दे के चले जाते हैं, हम ऐसे ही रह जाते हैं। ये देखो अभी देखना, सबसे ज्यादा पंगा लेडीजे ही करती हैं। हाँ अभी तो कम है, ट्रेन भी खाली है, ऑफिस टाइम देखना सुबह शाम अभी एकदम। ये देखो ये देखो ये तो सब चढ़ जाएंगी लेकिन धक्का मुक्की करेंगी। तो जब सब ठुसा रहता उसके बाद यहाँ तक पब्लिक रहती है सुबह और शाम। हाँ ये तो अंधेरी, किसी दिन हम आपको विरार जाके दिखाएंगे। विरार भीड़ नहीं रहता, नाला से पारम भीड़ रहता है, अंधेरी में भीड़ रहता है। अच्छा नाला से पारम सबसे ज्यादा भीड़ रहता है। डबल डेकर जा रही, देखो ये। हाँ अभी एक और गई, डबल डेकर था, एक और गई है अभी। देखिए हमारी ट्रेन आ गई है। हमारा किसमें सीट है, सीट किसमें, सीट S4 में। देखिएगा आगे जाना पड़ेगा कि पीछे। S6 आगे जाना पड़ेगा, S5 ये S4 है। हो गया, हो गया।
आगे जाएगा बहुत हमको नहीं पता था भाई, ये बोल रहे थे कि आगे जाना पड़ेगा हमको नहीं पता था। यस फोर यस फोर ये कौन सा है भाई? 3 मिनट का हाल्ट है केवल यहाँ पे, 3 या 2 मिनट। यस 3 बस इसके आगे वाला दौड़ाने वाला काम करती लड़की है, मैं पहले ही बोला था चलो आगे चलो भाई हम तो बच जाएंगे। आइए इधर 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 से 57-60 है ना, आ जाओ 57 और 60। ये है ये इसमें इसमें चलो 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 हे भगवान दौड़ा दे बचा के। सत्तावन और साठ नीचे वाली बैठने का बैठो उधर बैठना है या तो एक साइड में आप बैठो उधर बैठना है दोनों सीट मेरा इधर सूरत में उतर जाएंगे सूरत में तुम्हारा कौन सा कितना नंबर है 57 और 60 भाई कंचन ने खाना बनाया और बिल्कुल टाइम नहीं मिला तो कुछ खाया नहीं कंचन ने एकदम गरम चम्मच गरम ही गरम बनाई रख ली लड़की ये क्या चना वाला और चावल रखा है ना चना भाजी अब हम जा रहे हैं खाने ये एप्पल खाना है खाना है जल्दी करके लेके चले आए अभी हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। हमने दवा खाया है तो हमारा ना मन करे थोड़ा आराम कर लें तो आराम हो जाएगा। जाओ जाओ लेते जा रहे हाँ जाओ जाओ बैग लेके जाओ हम पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ ठीक जाओ लो ये आराम से रखो सही से लो बैग। भाई हमारी तबीयत एकदम इतना ज़्यादा ख़राब दवा खाए थे ना इसकी वजह से सोचा थोड़ा सो जाए आराम में क्या सो ये लोग इतना चिल्ला रहे हैं क्या है? देखो जो भैया लेट है तो वो खुद तेते म्यूजिक बजा रहे हैं नीचे सब उनको देखिए क्या कर रहे हैं। अभी भी गरम है तो भाई हम पहुंच चुके हैं सूरत उतर रहे उतरिए चलिए ये देखो सूरत आ चुके हैं और अब हमको यहाँ से कहाँ जाना है पता नहीं है इनको पता है कहाँ जाना है किधर जाने का इधर देखो सब सामान है और लोगों को देखो कितनी भीड़ है और यहाँ ठंडी भी है अमरौली चलिए बाहर। तो भाई हम लोग आ चुके हैं बाहर स्टेशन के ये देखो इधर स्टेशन है और इधर बाहर निकलेंगे ना पूरा क्राउड ही क्राउड है इधर भी तो अभी हम वेट कर रहे हैं हमको दीदी लेने आ रही है ना लेने आ रहे हैं ना कितना टाइम लगेगा 10-15 मिनट ज़्यादा 20 मिनट अच्छा तो देखिए रात के बज रहे हैं 10:20 हो चुका है और अब हम पहुंच चुके हैं होटल। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि एक टी शर्ट के ऊपर ही दूसरा वाला पहन लिया। भाई मुंबई में ठंड बिल्कुल नहीं थी पता नहीं था यहाँ ठंड लगेगी जैकेट वगैरह कुछ भी नहीं लाए एक तो सर्दी हुआ है ऊपर से और भी ज़्यादा सर्दी हो गया फीवर भी दवा भी खाए थे फिर भी अभी हमारे कान
और नाक सब बंद होगी। तो गाइज हम आ चुके हैं अपने रूम में, होटल रूम में। तो हम आपको सबसे पहले दे देते हैं रूम टूर। यहाँ से शुरू करते हैं, इधर है गेट, गेट के बाहर तो जाएंगे नहीं, यहीं से। तो इधर से देखो, ये है हमारा रूम जिसमें हम आज कल परसों का नहीं पता, आज कल रुकने वाले हैं, मतलब आज की रात बीतेगी, कल का दिन बीतेगा। तो ये है हमारा बेड, इतना बड़ा सा, और यहाँ ठंडी है तो ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट दिया गया है, फैन भी है, एसी भी है, लेकिन हम सब कुछ बंद कर दिए। इधर कबाट है जिसमें हमारे दोनों बैग हैं, और इधर ये है, बट ये खाना मिलेगा नहीं, पानी की बॉटल है, टेलीफोन है, 1 2 3 4 डायल करो। इधर टीवी है जो ऑलरेडी चालू है, जिसमें हम मूवी देखेंगे। इधर ये छोटा सा टेबल है, हमारा पर्स है। इधर चेयर है बैठने का। इधर है विंडो, कर्टन हटा के हम बाहर देख सकते हैं बट दिखेगा नहीं, तो विंडो खोल के भी हम देख सकते हैं बट अरे बाप रे बहुत ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद इधर का एरिया पता नहीं किस लिए है, हमें नहीं पता। इसके बाद ये है बाथरूम, बाथरूम तो बहुत बड़ा है ये देखो, और गीजर भी लगा है बड़ा वाला, तो मस्त सुबह सुबह गर्म पानी खुद करके नहाएंगे। कितने का पड़ा है रूम? अच्छा हाँ, उसके रूम बहुत छोटे छोटे होते हैं और बहुत गंदा होता है, सर्विस भी बहुत घटिया होती है। और हाँ, हम तो जाने वाले थे कहीं और, तो हम होटल रूम कैसे आए, इसकी एक स्टोरी अलग कहानी हो, हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, और ब्रेक में हम मंगाएंगे जोमेटो और स्विगी से कुछ खाना, क्योंकि ऑलरेडी 10:30 बज चुके हैं, 11:45, तो यहाँ सब कुछ बंद हो गया होगा। स्विगी जोमेटो 12 बजे तक चलता है। तो सबसे पहले आप अपना फ़ोन निकालिए और कुछ ऑर्डर करते हैं। तो गाइज अभी रात के बज गए 11:30 और पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं। ये तो पहुंचने वाला था और दूर हो गया, ये देखो अभी इतनी दूरी पर है। ये रहा पिज्जा, ये हम सब कुछ मिला दिए, एकदम ठंडा पिज्जा खाते हैं। खा लो भाई, क्या करोगे।